सो लाइट गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y20G डिवाइस के अंदर एप्लीकेशंस को आप हाइड कैसे कर सकते हैं। हालांकि ऐप हाइड की बात करें तो आपके फोन में अभी जो रिसेंट टाइम में है एंड्रॉयड 11 रन कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अपडेट इसका एंड्रॉयड 12 का भी मिलना स्टार्ट हो चुका है, जो स्टेबल वर्जन लोगों को दिया जा रहा है। बहुत ही जल्दी आपको बीटा वर्जन का भी अपडेट रूल आउट हो जाएगा फोन के अंदर। सो मैं अभी फिलहाल एंड्रॉयड 11 12 अगर अपडेट दोनों है आपको, डेफिनेटली एंड्रॉयड 11 का अपडेट होगा, तो मैं उस बेसिस पे आपको बताता हूं कैसे आप अपने फोन के अंदर एप्लीकेशंस को हाइड करेंगे। तो इसके लिए जस्ट आपको सेटिंग्स को ओपन करना होगा। हालांकि मेरा जो फोन है वीवो का V23 Pro है, इसके अंदर एंड्रॉयड 12 रन कर रहा है, तो आपको जो सेटिंग्स में बताऊंगा आपको उसे ही ओपन करनी है। हालांकि सेटिंग्स के अंदर जो सेटिंग्स होती है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे फोन के अंदर मिल सकते हैं, तो आप उन फीचर्स को नहीं ध्यान देंगे जो ऑप्शंस मैं बताऊंगा, आप सिर्फ उसे ही देखेंगे और अपने फोन के अंदर उसे अप्लाई करेंगे। देखो, जो एंड्रॉयड 10 होते थे उसके अंदर फिंगरप्रिंट फेस पासवर्ड का ऑप्शन यहां पर दिया जाता है, लेकिन एंड्रॉयड 11 अगर यूज कर रहे हैं तो आपको एक सिक्योरिटी सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया होगा, आप इसको यहां पर यूज कर लेना। मेरे फोन के अंदर सिक्योरिटी सेटिंग्स यहां पर है, तो एंड्रॉयड 11 और 12 अगर आप यूज कर रहे हैं 20G के अलावा कोई और डिवाइस जिसमें एंड्रॉयड 11 12 है, तब भी आप सिक्योरिटी सेटिंग्स को ही ओपन करेंगे। तो जस्ट हम इसको ओपन करेंगे यहां से, जिसमें हमने बताया था कि अगर आपको यहां पर ऑप्शंस कुछ एक्स्ट्रा हमारे फोन के अंदर मिले तो आपको इससे ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस नीचे स्क्रॉल डाउन करना है या फिर आपको ऊपर मिलता है तो ये प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन इस सेटिंग्स को ही ध्यान देनी है आपके फोन के अंदर। तो हम यहां से इसको क्लिक करेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करा है, तो सबसे पहले हम इस पासवर्ड को यहां से रिमूव करेंगे ताकि जो बिगिनर है बिल्कुल ही उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वो भी इसे यूज कर पाए अपने फोन के अंदर। मैंने पासवर्ड यहां से हटा दिया है, प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन अगेन क्लिक करेंगे, जिसमें मैं 6 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, आप चाहे तो 6 नंबर का पासवर्ड चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहां से आप सेट योर अल्फा नंबरिंग पासवर्ड, ओनर जो है अपना अल्फा नंबरिंग पासवर्ड चूज कर सकता है, या फिर आप 4 डिजिट का पासवर्ड चूज कर सकते हैं, लाइक पिन को 4 अंकों में क्रिएट कर सकते हैं। पैटर्न्स का ऑप्शन से आप चाहे तो पैटर्न पे क्लिक करके यहां से आप पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मैं पैटर्न क्रिएट करूंगा तो सबसे पहले हम जो भी पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, इसके बाद वेरीफाई द न्यू पासवर्ड, अगेन सेम पासवर्ड को रिपीट करना है जो हमने पहले लगा, इसके बाद हमारे पास सेट सिक्योरिटी एंसर क्वेश्चन का ऑप्शन आ चुका है। यहां पर हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, बाय डिफॉल्ट दोनों का आंसर देना होता है हमें, हालांकि अगर आप चाहें तो इसका जो क्वेश्चन है इस पर आप क्लिक करके इसके क्वेश्चन को यहां से सेंड आउट भी कर सकते हैं। आप यहां पर आंसर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये ओपन हो जाएगा, लेकिन आप यहां पर जो भी क्वेश्चंस का आंसर दें आप उसको स्ट्रॉन्गली दें ताकि आप इससे खुद ही रिमूव कर पाए और आपके अलावा और कोई इसे फॉरगेट ना कर पाए। इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन जो होता है यूज होता है मैनुअली जब आप पासवर्ड को भूल जाते हैं उसको रिकवर करने के लिए, या फिर आप यहां पर जो ऑप्शन है उसका आंसर जो है उसका सही दें, या फिर आप कुछ भी रैंडम टाइप कर देंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा, सिंपली डन कर देना। हमारे पास यहाँ 4th ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड का ऑप्शन है, जिसे हमने डिसेबल अभी करा तो आपको इसे बताने की जरूरत नहीं है, इजीली आप डिसेबल कर पाएंगे। मॉडिफाई पासवर्ड का ऑप्शन है, अगर हम वहां पर पैटर्न को यूज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं इस पैटर्न को अगेन यूज करके और इस पासवर्ड ऑप्शन पर चूज करके यहां से पिन को एंटर करना, तो हम यहां से पिन को पासवर्ड बना सकते हैं, अगेन उसी पासवर्ड को रिपीट करना है, फिर से हमारा जो पासवर्ड है वो पैटर्न से पिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन है, इसके अलावा आपको एक हाइड ऐप का ऑप्शन मिलता है जिसे हमें यहां से क्लिक करना है। अब गाइस, जरूरी नहीं है कि आपको जो ऑप्शन हमारे फोन के अंदर ऊपर दिख रहा है ये वाला ऑप्शन ये भी मिले, लेकिन ये जो सेटिंग्स आपको नीचे मिल रही है सेकेंड वाली व्यू हिडन ऐप्स का, इसको आपको मिल जाएगा सेटिंग्स, आपको जस्ट इसे ऑन कर देना है। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा इसका एक्चुअल यूज क्या होता है। सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन को हाइड करेंगे, तो हम यहां पर डू नॉट रिमाइंड मी अगेन करके ओके करेंगे और कुछ एप्लीकेशन को हाइड कर देते हैं ताकि आपको मैं इसका डेमो दिखा पाऊं। यहां से बैक आएंगे, सबसे पहला है ऑप्शंस, हम जो भी एप्लीकेशंस को हाइड करें हैं व्यू हिडन ऐप्स पे क्लिक करके इसको हम यहां से देख के इजीली यहां से ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमें सेकंड तरीका दिया गया है 2 फिंगर की मदद से जो हमने ऑन करवाया था, 2 फिंगर को आपको जस्ट ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है, कुछ इस तरीके से आपका पासवर्ड यहां पर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप पासवर्ड एंटर करेंगे यहां पर और आपका जो हिडन ऐप्स होगा वो इजीली शो हो जाएगा। सो ऐसे ही हाइड ऐप का ऑप्शन यूज किया
जाता है वीओ के वाई ट्वेंटी जी डिवाइस के अंदर। होपफुली आप इसका यूज कर पाएंगे। लेकिन गाइज अगर आपके मन में फिर भी इसके रिकॉर्डिंग कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।